हेलो गाइस, तो ये मेकअप मैंने किया था, कैसी लग रही है ब्राइडल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ये है बिफ़ोर का पिक एंड ये है आफ्टर का। फुल वीडियो मैंने नहीं लिया था, बस बिफ़ोर एंड आफ्टर का लिया था। ये मेकअप करने के लिए मुझे जाना था और सडनली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल था, चेहरा भी बहुत डल दिख रहा था। तो अब मैं एकदम से क्या करूँगी, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, मैं कैसी लग रही थी मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। और ये प्यारी सी ब्राइडल के लिए एक वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपको भी सडनली कहीं जाना पड़े, आपके बालों में ऑयल है, आपके पास मेकअप प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बेबी जॉनसन पाउडर से अपना पूरा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो सडनली मुझे एक मेकअप के लिए बुकिंग आ गई है और मैंने लगाया बहुत सारा ऑयल। हम पहने हैं सूट, तो पहले साड़ी पहन के जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है। तैयार होना है आपको बाहर जाने के लिए, वो भी शादी है, मेकअप करने जाए तो ऑब्वियस बात है कि शादी है, तो शादी में जाना है। और इस ऑयली बालों के साथ कैसे जा रही हूँ मैं, कैसे रेडी होती हूँ जल्दी से 2 मिनट में, वो भी बेबी जेंसन पाउडर से। सिर्फ तो चलिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना था, किसी तरीके की न्यू वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साड़ी पहन के आती हूँ, फिर बताती हूँ आपको एक वीडियो को कैसे ठीक करना। सबसे पहले फेस को क्लीन करेंगे वेट वाइप से। हेयर स्टाइल को अभी नहीं बना रही हूँ, हेयर स्टाइल देखिएगा एंड तक। अरे जाओ, एक वेट वाइप निकालेंगे, फेस को अच्छे से करेंगे क्लीन, क्योंकि ऑयल लगा होता है फेस में तो बहुत ज़्यादा डर्ट मिट्टी धूल चिपकता है हमारे फेस पे आके, और गर्मियाँ भी हैं तो पसीने भी बहुत आते हैं। ये देखिए इसका हाल, फेस ऐसे क्लीन दिख रहा था बट पोंछने के बाद से आ गया है गंदगी इसके अंदर। तो अच्छे से पहले मैं फेस को क्लीन कर लूँगी। तो फेस को हमने कर लिया है क्लीन, अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे अच्छे से क्लीन होने के बाद। ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, सिंपली आपको लेना है मॉइस्चराइजर, ये है जॉय का मॉइस्चराइजर। गर्मी हो ठंडी हो मैं अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइजर। नाइट के टाइम पे जा रहे हैं क्योंकि शादी है, तो ब्राइडल को नाइट में ही मेकअप करना है। तो अभी मैं कुछ सनस्क्रीन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, मैं मेकअप करने के लिए जाती हूँ तो बहुत ही सिंपल लुक में जाती हूँ, जो कि अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैं ब्राइडल मेकअप करने के लिए कैसे रेडी होकर जाती हूँ। मॉइस्चराइजर हमने लगा लिया, आईब्रो को थोड़ा सा फील करूँगी, बिंदी लगाऊँगी, लिपस्टिक लगाऊँगी एंड देखते जाओ कैसे करती हूँ। आईब्रो क्लीन करने के लिए वही मेरा पुराना टेक्निक है, आईब्रो पेंसिल एंड ये वाला आईब्रो फिलिंग ब्रश। आईब्रो की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो बहुत जल्दी मैं आईब्रो बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। इस तरीके से मैंने आईब्रो को फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपकी आईब्रो की ग्रोथ कितनी भी हो, थोड़ा सा सेप तो आ ही जाता है और अच्छा लुक लगता है। जो हमको एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम रिमूव कर देंगे। आप ऐसे हाथों का यूज़ मत कीजिएगा, कॉटन से या फिर टॉवल ले लीजिएगा उससे कर लीजिएगा। मैं लगाऊंगी यहाँ पे लिपस्टिक, या ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक है, जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा एंड ये बहुत ख़त्म भी हो चुका है, फिर से भी मैं इसी को यूज करूँगी। काजल मैं नहीं लगाऊंगी, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं लगाऊंगी, पसीने को सूखने देंगे तब तक मैं अपना हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। अभी मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये मैं सोच रही हूँ मेकअप हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, बस मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है। तो हेयर स्टाइल के लिए अगर आपके बालों में भी ऐसे ऑयल है और जाना है आपको शादी पार्टी में फंक्शन में, तो आप करोगे क्या? अगर आप दुल्हन हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बन बना के आप अपना पल्लू से सेट कर सकते हो,
तो मैं भी ऐसे यूज करने वाली हूँ। बहुत सारी इजी कल का जो बन हेयर स्टाइल वीडियो था काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। सिंपली इस तरीके से हाई पोनी टेल में बना लूँगी। इस तरीके से अच्छा लगेगा, बट अभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती बट अभी हेयर फॉल ना करूँ। तो पहली बार में आप उसके लिए हेयर स्टाइल करके जा सकते हो, कभी भी जाना है। अच्छे से काम कर लेंगे, काम करने का फ्रंट से थोड़ा थोड़ा बालों को खींच लेंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्लैट ना लगे। वैसे ऑयल है तो फ्लैट तो लगेगा ही। अब इस तरीके से सिंपली आपको बन बना लेना है। आप चाहो तो क्लचर से भी इसमें सेट कर सकते हो, कर सकते हो, और चाहो तो यूपीस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी यूपी, ये वाला जो क्लिप है ये यूज होगा ब्राइडल का जो ज्वेलरी सेट करने के लिए। चलिए मेरे पसीने को सुखाते हैं और फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। पसीना हमारा जो था वो ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो अभी हमने ब्लश हाइलाइटर कुछ नहीं लगाया, तो ब्लश के लिए भी मैं यही वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने लिपस्टिक लगाया था। बहुत ही अच्छे से ये ब्लश का काम करता है, नाक को भी पिंकी पिंकी बना लेंगे थोड़ा। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, तो आपको अगर ज़्यादा लगे तो आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिएगा। आईज पे भी मेरे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो रही है। तब इस तरीके से अगर आपको आपको कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। ऐसे आप अगर आईज के पास थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लोगे तो आपका जो वो डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट्स है, वो थोड़ा हद तक कम दिखने लग जाएगा। ओके, इस तरीके से करने के बाद आपको जो है पाउडर पाउडर को इसके लेंगे। डन, इस तरीके से थोड़ा मिक्स कर देंगे। बिल्कुल घर में कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, इतना तो आपके पास सबके पास होता होगा जितना मैंने आज यूज करके दिखाया है। बहुत ही कम प्रोडक्ट में और कहा जाए तो सिर्फ बेबी जॉनसन पाउडर एक लिपस्टिक की मदद से पूरा मेकअप क्रिएट हो गया है। इस तरीके से घर घर के आपको पाउडर लगा देना है, थोड़ा सा पाउडर आप अपनी लिपस्टिक के लगा दीजिए क्योंकि लिपस्टिक हमारे यहाँ पे वाटरप्रूफ नहीं है, मेट नहीं है, विलेज लिपस्टिक है। तो इस तरीके से कर दोगे तो आपकी लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगी। अभी आपको इतने से नहीं यूज लेना है, आपको थोड़ा सा पाउडर और लेना है। गर्दन पे भी अप्लाई कर देना है। क्योंकि बहुत ऑयल है फेस बालों में, जिसकी वजह से हमारा फेस भी काफ़ी ऑयली ऑयली सा दिख रहा है। आप इस तरीके से कर सकते हो और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका पैची हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे मिक्स किया है, ये बिल्कुल भी पैची नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा आइस के नीचे, आइस के ऊपर, तो किस किस को ये मैट फिनिश मेकअप लुक एट होम पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ट्राई करोगे कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस किस ने ट्राई किया वो भी बता दीजिएगा।
ताकि नेक्स्ट टाइम और भी इस तरीके की वीडियो मैं आपको थोड़ी लेकर आ पाऊँ। और किस किस को मेरा ये लुक अच्छा लगा ये भी जरूर बताइएगा। बिंदी लगाएंगे और रेडी हो गए हम लोग जाने के लिए। मेकअप का जो सामान है वो मेरे बहुत सारे यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि मेकअप ब्रश के लिए दोनों टाइप की ब्रश की हुई है, इसका सारा मेकअप का सामान ये रखा है, मशीनें ली हुई हैं, फेल्पिंग मशीन, स्ट्रेटनिंग का रिंग सोते भी है। और आज आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्राइडल का जो लुक है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक फॉर वॉचिंग। सॉरी रुकिए, पल्ला लेके जाना है हमको, तो हम यहाँ तक पल्ला रखेंगे एंड इसको पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि ये पल्ला हमको डिस्टर्ब ना करे ब्राइडल का मेकअप करके। जैसा कि मैंने पल्ला सेट करने के लिए बहुत सारी वीडियो में बताया भी है, अगर आपने नहीं देखा हो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अब ये हमारा जो पल्ला है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा और हम अपना काम आराम से कर पाएंगे। ओके, बाय बाय।